इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी के सिंगर शिवानी पंकज जी हमारे साथ हैं और इन्होंने भोजपुरी में कई अच्छे अच्छे गीत इन्होंने गाया है। शिवानी जी क्या कहेंगे, खुद आप एक अच्छे कलाकार हैं और भोजपुरी में कई भक्ति गीत आपने गाया है। भोजपुरी सबसे पहले तो हमारी भाषा है और मैं भोजपुरी भाषा में ही गीत गाना पसंद करती हूँ। मैंने अपने एल्बम पे बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं, भक्ति सॉन्ग हैं, लोकगीत हैं, हर तरह के सॉन्ग मैंने गाए हैं और अभी फिलहाल भक्ति सॉन्ग भी आने वाले हैं, लेकिन मेरी जो एक देवी गीत है वो मुझे काफ़ी पसंद है और मैं दो लाइन सुनाना चाहूँगी। और भक्ति सॉन्ग में मेरा ये गाना है लाले रंग आसन माई के, तो उसके दो लाइन मैं मुखड़ा और अंतरा सुनाती हूँ। लाले रंग आसन माई के, लाले रंग दासन हो, लाले रंग आसन माई के, लाले रंग दासन हो, लाले रंग लागे लाओ हार ए लाला, लाले रंग लागे लाओ हार ए लाला, लाले रंग चुनरी चूड़ी लाले रंग धाजा भाओ, उहे धाजा लहरे लाया कास ए लाला, उहे धाजा लहरे लाया कास ए लाला। ये सॉन्ग जो है मुझे काफी पसंद है, पिछले साल इसकी शूटिंग वैष्णो धाम में हुई थी और ये गाना काफी लोगों ने पसंद किया था। अब तक शिवानी जी आपने कितने गाना गा चुके हैं और लोगों को काफी प्यार भी मिल रहा है आपको गाना में, हम देख रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि सभी लोग मुझे प्यार करते हैं और मेरे गाने पे भी बहुत सारे लोग मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं। अब तक मैंने 60 एल्बम गाए हैं अपने चैनल के लिए, जिसमें अभी तक 55 एल्बम अपलोड हो चुके हैं और बाकी और सारे जो सॉन्ग हैं आने वाले हैं और कोशिश में हूँ कि और मैं आगे तक गाऊँ। क्या भक्ति गाना भी गाते हैं कि इसके अलावा और भी कोई गाना? मैं सभी तरह के सॉन्ग गाती हूँ, बस थोड़े से ऐसे अभद्र और अश्लील सॉन्ग मैं नहीं गाती हूँ ताकि लोग मुझे पसंद और प्यार दुलार अपना देना बंद कर दें। शिवानी जी ये अक्सर ये देखा जाता है कि भोजपुरी जो जगत में अश्लील गाना काफी लोग जो कलाकार हैं गाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज के लोग सोचते हैं कि असली गाना से हम आगे बढ़ें, इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगी, लोग अपने अपने पसंद से अपने तरीके से गाते हैं। अगर आप मुझसे मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगी कि मुझे अपने तरह से गाने गाने पसंद है और मैं ऐसा गाना गाती हूँ, ऐसा गीत गाती हूँ कि सभी लोग सुन सके, बच्चे बूढ़े सभी लोग आनंद उठा सके। और गलत गा के शायद मुझे नहीं लगता है कि लोग कुछ दिन तक ही फेम नेम कमा पाएंगे और अश्लीलता तो लोग पसंद करते ही हैं, अगर आप सही मायने में देखिए तो अश्लील सिंगर ही ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। लेकिन वैसे नहीं है कि मैं उतना लहंगा और वो सब तक अंदर तक, बहुत सारे लोग गाते हैं अपनी अपनी पसंद है, मैं किसी सिंगर के बारे में कोई ऊँचा नीचा नहीं बोलना चाहूँगी मैं। लेकिन शिवानी जी देखा जाता है कि आपके गले में सरस्वती का वास है और काफी सुंदर गाते भी हो और लोगों का प्यार और आशीर्वाद काफी आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि माता रानी का आशीर्वाद है कि आज मैं जो भी एल्बम गाई हूँ अपने चैनल के लिए और भी दूसरे लोगों के लिए भी मैंने गाया है जो काफी लोगों ने पसंद किया है। और यही कहूंगी कि माता रानी मुझे हर मुकाम पे आगे बढ़ने की शक्ति दे और मैं कभी गलत रास्ते को ना चुनूं और मेहनत के बल तक जहां तक मैं जाऊंगी कोशिश और प्रयास रहेगा। और सभी लोगों से मैं यही कहूंगी कि मुझे भी सपोर्ट कीजिए, बाकी सपोर्ट तो मिल ही रहा है, बाकी कहना हर बार मैं आप सबसे अपना आशीर्वाद जरूर मांगूंगी। तो सुना आपने शिवानी पंकज जी का साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार हम लोगों को मदद करे, जो उभरते हुए जो कलाकार है उन्हें भी मदद करे, झारखंड में काफी सुंदर जगह है, ये तमाम बातें आज शिवानी पंकज जी ने कही। इस समय जमशेदपुर से विनोद केसरी।